students, I welcome you all to our NAC Institute. I am Taruna Seni and I will teach you today a relationship between national product and domestic product. Till now we have studied about the meaning of domestic territory and the normal resident. So let's recall about the domestic territory and normal resident. So normal resident mein humne beta two conditions padhi thi. Normal resident agar koi bhi person hai, individual hai ya firm hai, वो नॉर्मल रेजिडेंट कब होगी जो जब उसने इंडिया में वन ईयर से ज़्यादा स्टे किया हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो या जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं उस कंट्री में हो. इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि उसका प्रोडक्शन कंजम्पशन या स्पेंडिंग जैसी एक्टिविटीज़ उस पर्टिकुलर कंट्री में हो रही हों, तो दैट पर्सन और इंस्टीट्यूशन विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट. ठीक है, अब हमने एक टॉपिक इसमें पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी. अब इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए. हमने एक वीडियो में आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्लियर कराया है. तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या हो गया बेटा, सपोज ये इंडिया है तो ये इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो गई. लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होता है. डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स ऑल द ज्योग्राफिकल प्लेस इन विच द पर्सन्स एंड द गुड्स एंड द कैपिटल मूव फ्रीली. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा हो कि ई बिज़नेस हो गया है, तो पहले बिज़नेस में क्या होता था, आप शॉपकीपर के पास जाएगा कस्टमर, फिर वो सेल परचेज होगा. तो यानी कि ज्योग्राफिकल प्लेस की ज़रूरत थी, लेकिन अब ज्योग्राफिकल प्लेस की ज़रूरत है ही नहीं. अब आप थ्रू इंटरनेट आप सेल परचेज का कुछ भी वर्क कर सकते हैं. तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है. डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि इट इज़ एनी ज्योग्राफिकल प्लेस इन विच द कैपिटल गुड्स एंड द सर्विसेज कैन मूव फ्रीली. फ्रीली मूव हो सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इकोनॉमी के पर्पज़ से. ठीक है, फ्रीली मूव कर सकते हैं गुड्स भी, पर्सन्स भी और आपकी सर्विसेज भी, कैपिटल भी. तो डोमेस्टिक टेरिटरी तो पॉलिटिकल बाउंड्री से ज़्यादा है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम शिपिंग वेसल्स की बात करें, कॉन्सुलेट्स की बात करें, एम्बेसीज की बात करें, बॉर्डर वर्कर्स की बात करें, तो ये सारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आते हैं, जबकि ये इंडिया में नहीं है. एम्बेसी बाहर है फिर भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. फिशिंग वेसल्स इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ पर मूव ऑन हो रहा है तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. बॉर्डर वर्कर्स डेली बेसिस पर दूसरी कंट्री में वर्क करने जा रहे हैं, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ द ज्योग्राफिकल स्पेस इन विच द पर्सन्स गुड्स एंड द कैपिटल मूव फ्रीली. सो इट इज़ मच ब्रॉडर दैन द पोलिटिकल बाउंड्रीज. अब हमारे पास टॉपिक है आज का नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो अब आपको इसमें एक डिफरेंस क्लियर करना पड़ेगा. एक वर्ड आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक वर्ड आता है नेशनल प्रोडक्ट. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्शन. कौन करेगा प्रोडक्शन? ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. कहाँ करेंगे? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. तो कौन करेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन? रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं. और प्रोडक्शन कहाँ होगा? विद इन. दोबारा से डेफिनेशन देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन बाय द रेजिडेंट्स और द नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बहुत सारे पर्सन हैं जो रेजिडेंट हैं और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो नॉन रेजिडेंट हैं. जैसे कि मान लीजिए अगर कोई यूएसए की एम्बेसी हमारी इंडिया में, तो वो नॉन रेजिडेंट है, नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी. बट वो उन्होंने भी जो प्रोडक्शन किया है और विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी किया है, तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंडर आएगा. बट नेशनल प्रोडक्ट में वी टॉक ओनली अबाउट द रेजिडेंट्स एंड इट मे बी विद इन और इट मे बी आउटसाइड. हमारे इंडिया के बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो बाहर जाके अर्न कर रहे हैं, तो वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट में ऐड होगा. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में ज़रूरी नहीं है कि नेशनल प्रोडक्ट ज़्यादा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसमें हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे जो हमें समझना है. तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे बेटा? अभी हमने क्या देखा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने सभी का प्रोडक्शन लिया, प्रोडक्शन बाई रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स. रेजिडेंट्स का भी प्रोडक्शन लिया और नॉन रेजिडेंट्स का भी लिया. तो जब आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो आपको नॉन रेजिडेंट वाला प्रोडक्शन क्या करना होगा? माइनस करना होगा. और यहाँ पे हमने क्या लिया है नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने क्या लिया है? प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. लेकिन नेशनल प्रोडक्ट में हमने क्या देखा? विद इन तो है ही, प्लस में जो आउटसाइड से भी अर्न हो रहा है वो भी ऐड करेंगे. यानी कि नेशनल प्रोडक्ट को निकालने में हमें समथिंग पार्ट ऐड भी करना होगा. तो जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कुछ जो बाहर से हमने अर्न किया है, अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, वो हम प्लस करेंगे, और जो नॉन रेजिडेंट ने कुछ अर्न करके दिया है उसे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो ये करके हमारे पास क्या आ जाएगा? नेशनल प्रोडक्ट. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द मीनिंग.
The concept of domestic product is based on the production units located within the economic territory. Economic territory means beta domestic territory. अभी आपको बताया कि domestic territory means any geographical place in which the goods, capital and the persons can move freely. तो जरूरी नहीं कि political boundaries है. And कौन कौन बना रहे हैं, resident भी बना रहे हैं और non-resident भी बना रहे हैं. But in national product it is based only on the resident. तो non-resident वाला हमें minus करना होगा national निकालने के लिए. और इट इंक्लूड्स द कंट्रीब्यूशन विद इन एंड आउटसाइड. कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन आउटसाइड भी हो सकता है. तो आउटसाइड वाला हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस. नॉन रेजिडेंट वाला माइनस करना पड़ेगा और आउटसाइड वाला प्लस करना होगा. लेट्स हैव अ लुक. नेशनल प्रोडक्ट इज डिराइव्ड इन द फॉलोइंग वे. देखो नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें रेजिडेंट का कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी. हमारी कंट्री के जो लोगों ने बाहर की तरफ कंट्रीब्यूशन किया है, रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन, हमारी कंट्री के रेजिडेंट हैं लेकिन हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर काम कर रहे हैं, जैसे कि एम्बेसी में काम करने वाले लोग इंडिया के एम्बेसी यूएसए में है, तो वो आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी हो गया. बट वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्योंकि इंडिया के एम्बेसी इंडिया का रेजिडेंट है. दूसरा इसमें से हम माइनस करेंगे नॉन रेजिडेंट कंट्रीब्यूशन इनसाइड द हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर. अगर कोई एनआरआई ने कंट्रीब्यूशन किया है उसे माइनस करेंगे. तो रेजिडेंट कंट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेजिडेंट कंट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रोड. हमारी इंडिया के पर्सन बाहर से अर्न करके लेकर आए और अगर हमने बाहर वालों को दिया है तो फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड ये माइनस होगा. और इन दोनों टर्म को मिलाकर हम क्या बोलेंगे बेटा, एनएफआईए. तो नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफ आई ए. कई बार नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड भी हो सकता है तो हमें उसे वो माइनस करना पड़ेगा और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपका काम आएगा. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग. थैंक यू सो मच.